हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, जो वीडियो है ये आपका कोड 506 का है और आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है इसको हम परख रहे हैं इन वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो की बात करें तो हैश 3 यानी पार्ट 3 है और यूनिट की बात करें तो 8 है। तो चलिए फिर देख लेते हैं, जल्दी से इसके MCQ ले लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और आपको इसके देने हैं आंसर। कमेंट्स बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ सभी आंसर एक साथ में एक कमेंट्स में दीजिएगा। आप अगर एक एक कमेंट्स करके एक एक आंसर देंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। तो आप एक बार कमेंट्स करिए, वीडियोज़ देखिए और कमेंट्स करिए, देन उसके बाद आप आंसर दीजिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसका आंसर लेके आएंगे। जो इसके पहले का वीडियो था यूनिट 7 का, उसका आंसर देख लेते हैं कि उसके क्या क्या आंसर हैं, और देख लेते हैं फिर वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। बाध्यता क्या है? संरचनात्मक क्षति है, कार्यात्मक क्षति है, यानी अक्षमता, कार्यात्मक अक्षमता, सामाजिक असहायता, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा वो आपको बताना है कि बाध्यता क्या है। ठीक है, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है असक्तता क्या है, आपको बताना है। संरचनात्मक क्षति, कार्यात्मक अक्षमता, सामाजिक असहायता या उपरोक्त सभी, असक्तता क्या है? क्वेश्चन को समझिए, देन इसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, विकलांगता एक व्यक्ति द्वारा अनुभूत किया गया है। जो विकलांगता है एक व्यक्ति द्वारा अनुभूत किया गया है तो वो क्या चीज है? सामाजिक असहायता है, कार्यात्मक अक्षमता है, सामाजिक सहायता है या संरचनात्मक क्षति है। ठीक है ना, तो विकलांगता एक व्यक्ति द्वारा जो अनुभूत किया गया है, किसी को कह दिया जाए कि तुम विकलांग हो, उसके साथ गलत व्यवहार किया जाए, तो वो चीज क्या हो जाती है? तो इसका आपको राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक मानसिक बच्चा, बाधित बच्चा वह है जिसमें, एक मानसिक बाधित बच्चा वह है जिसमें औसत से कम सामान्य बौद्धिक क्षमता है, या धीमी बौद्धिक विकास है, या फिर मंदन की सीमा कम से गंभीर हो सकती है, या उपरोक्त सभी। यानी कि एक जो मानसिक बाधित बच्चा होता है वो क्या होता है? अब आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे सेलेक्ट आंसर जो है वो सेलेक्ट करने हैं, राइट आंसर सेलेक्ट करने हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुमेलित करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। मैं अभी से बता दूं कि वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में मैं इसे रख रही हूँ। मानसिक मंदन का वर्गीकरण करना है और ये आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है कि मानसिक मंदन क्या कहलाता है, क्या वर्गीकरण है, विस्तार से समझाइए। वर्गीकरण नहीं भी पूछेगा तब भी मानसिक मंदन में आपको यही चीजें लिखनी है। ठीक है, तो सुमेलित करने में गंभीरता का स्तर दिया हुआ है और उसकी IQ सीमा बुद्धि उपलब्धि दी हुई है। बुद्धि लब्धि कितनी है? तो एक गुण मानसिक मंदता की बुद्धि लब्धि जो होती है वो 50 से 75 होती है। ठीक है, गंभीर मानसिक मंदता की बुद्धि लब्धि जो है वो 35 से 49 होती है। साधारण मानसिक मंदता जो है 20 से 34, और कम मानसिक मंदता 20 से कम। ये जो है ये इक्वल नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो आपको अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि का में जो है एक का एक होगा, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, या फिर खा, यानी इनमें से कौन से ऑप्शन सही है ये आपको बताने हैं आंसर में। ठीक है, यानी गुण मानसिक ममता का IQ कितना होगा वो आपको बताना है, फिर गंभीर मानसिक ममता का क्या होगा, तो राइट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करने हैं आंसर आपको। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कारण संज्ञानात्मक असक्तता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है संज्ञानात्मक असक्तता से संबंधित है? संज्ञानात्मक असक्तता से संबंधित है संक्रमण एवं उन्मादन, सदमा एवं शारीरिक कारक, उपापचय एवं पोषण, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा आप देख लीजिए, ऐसा कौन सा कारण है इन सभी में से जो संज्ञानात्मक असक्तता से संबंधित है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक बच्चा वैधानिक रूप से अंधा तभी कहा जाता है जब उसकी दृष्टि संवेदनशीलता है। यानी एक बच्चा वैधानिक रूप से अंधा तभी कहा जाता है जब उसकी दृष्टि संवेदनशीलता है। उसकी दृष्टि कितनी होनी चाहिए? अब इनमें से आपको ऑप्शन चुनना है कि उसकी दृष्टि कितनी हो। ठीक है ना, कि वैधानिक रूप से अंधा कहा जाए। ओके, तो चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इसका आप चले कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो आंसर प्लीज़ एक साथ में ही दीजिए। ठीक है ना, अलग अलग मत दीजिए, क्योंकि आप अलग अलग आंसर देंगे, क्वेश्चन देंगे, फिर कमेंट्स करेंगे, तो इस तरह में मुझे उसको लाइक करने में बताने में प्रॉब्लम होती है। तो आप वीडियोज़ देख लीजिए और आप इधर कमेंट्स भी कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक श्रवण बाधित बच्चे को डैश अधिगम पर अपेक्षित समय बिताना जरूरी है। एक श्रवण बाधित बच्चे को
किस समय, किस पर अधिगम पर अपेक्षित समय बिताना जरूरी है, किस चीज पर वो ज्यादा सीखे, किस चीज को वो ज्यादा सीखे, एक श्रवण बाधित बच्चे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप देख लीजिए यहाँ पे और कमेंट्स करिए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। विटामिन ए की कमी एकमात्र रोग डैश का कारण है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे अब आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी से श्रवण बाधिता, गति प्रेरक बाधिता, संज्ञानात्मक अशक्तता या दृष्टि बाधिता, विटामिन ए की कमी से। वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। निम्नलिखित समस्याएं किस अशक्तता वाले बच्चों में पाई जाती है, निम्नलिखित समस्याएं किस अशक्तता वाले बच्चों में पाई जाती है, स्मृति जागरूकता, भाषाई या समस्या समाधान। अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो ये समस्याएं हैं वो किन आसक्तता वाले बच्चों में पाई जाती हैं, जैसे स्मृति हो गया, जागरूकता हो गया, भाषाई हो गया, समस्या समाधान, ये क्या है, ये समस्याएं हैं सभी। तो किस आसक्तता वाले बच्चों में, यानी संज्ञानात्मक आसक्तता वाले में, गति प्रेरक में, अधिगम आसक्तता, इनमें से कोई नहीं, किन बच्चों में ये सभी समस्याएं पाई जाती हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर आप देख लीजिए और कमेंट्स करिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बधिरता का मुख्य कारण क्या है, दुर्घटना, बीमारी, उपरोक्त सभी, बधिरता का मुख्य कारण क्या है आपको बताना है, ठीक है। यानी कम सुनाई देना किस वजहों से होता है ये आपको बताना है। कभी कभी लोगों को लोग बोलते हैं समझ में आता है पर सुनाई तो देता है लेकिन समझ में नहीं आता वो क्या कह रहे हैं, वो बधिरता कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वाचन विकार से ग्रस्त विशेषता बड़े बच्चों में, जो वाचन विकार से ग्रस्त जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, नकारात्मक सामाजिक प्रभाव होते हैं, या अपने विकार के कारण दबंगई के लक्ष्य हो सकते हैं, या दबंगई घटे हुए आत्मसम्मान में परिणत हो सकता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट्स करिएगा। जो वाचन विकार से ग्रस्त बच्चे होते हैं विशेषकर बड़े बच्चे, ठीक है, उन बच्चों के साथ इनमें से कौन सी प्रॉब्लम होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दृष्टिबाधिता के मुख्य कारण हैं, दृष्टिबाधिता के मुख्य कारण क्या हैं, विटामिन ए की कमी, गर्भावस्था के दौरान कुछ असमानताओं से उत्पन्न सहज मोतियाबिंद, या ग्लूकोमा, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप देख लीजिए, समझिए, क्वेश्चन पूछ रहा है दृष्टिबाधिता के मुख्य कारण क्या है, यानी दिखाई ना देने के मुख्य कारण क्या होते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट्स करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिन्हें डैश है उन्हें निश्चित रंगों के युग के बीच में अंतर करने में परेशानी होती है, यानी उन्हें कौन सी बीमारी होती है, जिन्हें ये बीमारी होती है जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से, उन्हें जो निश्चित रंगों के युग होते हैं उनको अंतर करने में परेशानी होती है, तो वो कौन सी बीमारी है यहाँ पे आपको बताना है, मोतियाबिंद, वर्णांधता, ग्लूकोमा या उपरोक्त सभी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, ग्लूकोमा आंख में उच्च दबाव के परिणाम स्वरूप रेटिना को नुकसान पहुंचाता है, या एक बच्चे को वैधानिक रूप से अंधा तब कहा जाता है जब उसकी दृष्टि क्षमता 40 से 200 हो, मोतियाबिंद को शल्य चिकित्सा के द्वारा उपचारित किया जाता है, या फिर अर्थराइटिस को जोड़ों के दर्द के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो कौन सा यहाँ पे जो आंसर सॉरी ऑप्शन है वो गलत है आपको बताना, गलत है ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर सेलेक्ट करिए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। अगला क्वेश्चन है, गति प्रेरक बाधिता के मुख्य कारण है, गति प्रेरक बाधिता के मुख्य कारण क्या है, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, यानी ठीक है, यानी जिसे हम ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, और आर्थराइटिस, या फिर मेरुरज्जु चोट, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा आप बताइएगा। गति प्रेरक बाधिता, मैंने तो इसका क्वेश्चन भी आपको अवेलेबल करवाया है, तो इसके मुख्य कारण क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन आघात के मुख्य कारण है, अब इनमें से आघात दिए हुए हैं और उनके मुख्य कारण आपको बताने हैं, जैसे थ्रोम्बोसिस जो है, हेमरेज है, या फिर इब्नोलिज्म है, और आपका स्क्लेरोसिस है, इनमें से कौन आघात के मुख्य कारण है, यानी आघात की वजह से होते हैं, आपको याद आ गया होगा। तो चलिए फिर आप सेलेक्ट करिए आंसर इसका और मैं तब तक नेक्स्ट वीडियो ले लेती हूँ, ठीक है। और इनमें से आपको मैं बता दूँ, चलिए इतना मैं दे देती हूँ हिंट कि तीन जो है मेन आपके आघात के कारण है और अटैक के कारण है, उन तीनों को मैंने एक्सप्लेन भी किया था, वीडियोज भी बनाया था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ।
निम्नलिखित लक्षण किस बीमारी से संबंधित है? जो लक्षण है वो किस बीमारी से संबंधित है अब आपको बताना है। मांसपेशियों की दृढ़ता, गति संचालन में धीमापन, अद्वितीय प्रकार का कंपन। अब ये जो है ये क्या है, बीमारियां हैं, ठीक है, सॉरी लक्षण है ये। अब ये जो लक्षण आपके हैं ये तीन, ये किस बीमारी से संबंधित है, ठीक है ना? स्क्लेरोसिस से संबंधित है, पार्किंसन से संबंधित है, आर्थराइटिस से संबंधित है, या घास से संबंधित है, किन चीजों से संबंधित है ये आपको बताना है, ये तीनों बीमारियां, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। निम्नलिखित में से कौन से कारक बहुविकारों को उत्पन्न करने वाले सामान्य कारकों में शामिल हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो बहुविकारों को उत्पन्न करते हैं? जन्म के दौरान या पश्चात मस्तिष्क की चोट, वृद्धि या पोषण समस्याएं, गुणसूत्रों की असमानताएं या उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा, आप क्वेश्चन देख के सिलेक्ट करिए। अनक्रैप्ड का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। UNCRPD का पूरा रूप क्या है आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा इसमें, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यूनाइटेड नेशन कॉमन राइट्स प्रोटेक्शन डिवीजन, यूनाइटेड नेशंस केयर फॉर राइट पावर एंड ड्यूटीज, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है आप सेलेक्ट करके बताइए। अगला क्वेश्चन ले लेती हूँ कि प्रारंभिक बचपन के विकासात्मक देरी के कुछ चेतावनी चिन्ह निम्नलिखित में से कौन है? यानी प्रारंभिक बचपन के जब बच्चा छोटा होता है उस समय उसका विकास सही नहीं हो पाता है, विकासात्मक देरी के कुछ चेतावनी जो चिन्ह होते हैं वो कौन कौन से हैं? तेज आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं देना, अंग या तो बहुत सख्त है या बहुत मुलायम, या छोटी वस्तुओं को उठा नहीं सकते हैं, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आप देखिए और इसको कमेंट्स करिए। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सूची के अंतर्गत नहीं आता है? केंद्रीय सूची के अंतर्गत क्या नहीं आता है? रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, असक्तता, ये अब आपको बताना है और वेरी इजी क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा और स्वास्थ्य किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं, ठीक है ना। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है किस सूची के अंतर्गत आते हैं? केंद्रीय सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा आप सेलेक्ट करिए, कमेंट्स करिए, बताइए। और प्लीज आपसे अनुरोध है कि आप जब भी कमेंट्स करें इन आंसर के तो एक ही कमेंट्स में आप सभी के आंसर कर दें। हालांकि इसमें वीडियोज सॉरी क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा है, अगर आप नहीं कर पाते हैं कमेंट्स तो कोई बात नहीं, आपका नॉलेज तो एक जाँच हो ही जाएगी नॉलेज की। और मैं अगले वीडियो में जो आज का ये वीडियो है इसका जो आंसर है नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं कर दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा। लेकिन यदि आप आंसर करते हैं तो सभी को एक में ही करिएगा ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो उन आंसर को चेक करने में। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।